हेलो गाइस, वेलकम टू विदन ऑनलाइन स्टफराज मलिक एंड आप देख रहे हैं चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने देख लिया है, आज ये सेशन है। इस सेशन में मैं आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं सब। ठीक है, आप सभी सोच रहे हैं, आपके सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं और घर में बैठकर आपको नहीं समझ आ रहा है आपको आगे क्या करना है। तो इसीलिए, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे पास, लोग फ़ोन करके भी वही सब पूछते हैं, फेसबुक पर भी वही पूछते हैं, व्हाट्सएप पर भी वही पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर सबको ये बात बताई जाए कि आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो सब ने ही पूछा है या सब का ही ये क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कब होगा। गाइज, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि गवर्नमेंट का ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। सूचना मिल रही है कि ऑर्डर जो पीएनपी है वहाँ तक चला गया है और पीएनपी उसके आगे काम भी कर रही है, बट कोई भी इस बात का साक्ष्य नहीं है कि पीएनपी आगे काम कर रही है और टैट के रिजल्ट के लिए वो अग्रसर है। बट मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट हर हाल में ये पेपर कराना चाहती है और बहुत जल्दी में है और वो पेपर करवा कर रहेगी। एंड सेकेंड थिंग, ये पेपर जल्दी होगा, अप्रैल लास्ट नहीं तो जून में कंफर्म ये पेपर डेफिनेटली होना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है जो कि बहुत लोगों ने पूछा है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है कि एग्ज़ाम नया आएगा या पुराना। इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको एग्ज़ाम के प्रश्न पता हैं? तो आपके लिए चाहे नया आए चाहे पुराना आए, सेम बात है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर पुराना होगा तो 12 मार्च का एग्ज़ाम फरवरी में बना होगा, 15 फरवरी को भी मान लो कि वो बना होगा, तो उसमें जनवरी तक की करंट आई होगी, जनवरी मैक्सिमम तक की करंट आई होगी, इसके ऊपर करंट नहीं आई होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीने की करंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल और इन 3 महीने की करंट को ऊपर ऊपर से पढ़कर जाना। अगर ये कंफर्म नहीं होता कि एग्ज़ाम नया है या पुराना है, अगर बाय चांस ये कंफर्म हो जाए कि एग्ज़ाम पुराना ही आने वाला है, फिर तो हमें जनवरी तक का ही करंट पढ़ना है, उससे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें नहीं पता लगता कि पेपर नया है या पुराना, कोई भी इसे कंफर्म वैसे तो नहीं करेगा, और अगर बाय चांस हमें नहीं पता लगता तो अप्रैल तक की करंट हमें पढ़कर जानी होगी। जहां पिछले 6 महीने हम पढ़ रहे हैं तो 2-3 महीने और आगे पढ़ लें, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टाइम हमें मिला है और वो टाइम हम ऐसे ना गवा पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नया आए चाहे पुराना आए कोई अंतर नहीं है, अंतर है सिर्फ 3 महीने की करंट में। मैं मानता हूँ करंट पढ़ना पहले भी बहुत आसान नहीं रहा है, लेकिन तुम मानो बात को, ऊपर ऊपर के एक सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर मंथ के 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो उसी में से ही पेपर में काफ़ी आ जाएगा, आप 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस को याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं। बहुत लोग, मानकर चलो 18 से 19 हज़ार व्यूज़ उस वीडियो पर थे जिसमें मैंने डाला था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, हज़ारों कमेंट थे बच्चों के, सर कैंसिल हो जाना चाहिए, हम पेपर नहीं देना चाहते। हाँ, मैं मानता हूँ कि पेपर थोड़ा टफ है, उसका पैटर्न भी विदाउट MCQ है, मतलब ऑप्शन उसमें मिलेंगे नहीं, तो पेपर हमें बहुत टफ लगेगा, चाहे कितना भी आसान क्यों ना आए, हमें पेपर टफ़ लगने वाला है, ये मैं जानता हूँ। बट अगर पेपर होता है तो चांसेस हैं जॉब लगने की, और सही से जॉब लगने के, और केस तो वैसे भी होने हैं और वैसे भी होने हैं, केस को कोई रोका नहीं जा सकता। अब जब संशोधन हो गया है 22वां, तो पेपर तो हमें देना पड़ेगा, चाहे आप देना चाहो या ना देना चाहो।
ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 20-30% है चांसेस हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा जान लगा दी जाए फिर मैं कह नहीं सकता, लेकिन 70-80% ये कंफर्म मान कर चलो कि पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। यह दलील देते हुए 72,000 जो भर्ती थी उस पर भी गवर्नमेंट ने यही दलील दिया सुप्रीम कोर्ट के चार्ज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि आप नया भर्ती निकाल सकते हो या नया गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी कर सकते हो 72,000 के लिए, लेकिन सरकार ने अपनी प्रक्रिया को समाप्त करते हुए कह दिया है कि अब यूपी में 22वां संशोधन लग चुका है, क्लास एक से लेकर फिफ्थ क्लास के बच्चों को लिखित परीक्षा देना अनिवार्य है। तो गाइस, पेपर कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हैं, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़ भी सकता है अगर वो चाहें तो, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि 40,000 तक पहुंच जाएगा तो ये नामुमकिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सभी यही पूछ रहे हैं कि सर पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ें तो क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब से शुरू करें, एडवाइस दें सर, सलाह दें सर, नोट्स दें। तो गाइस, किसी से फालतू नोट्स लेकर कभी भला नहीं होगा आपका। जितने नोट्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं खुद से अपनी फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देता हूँ, आप उन्हें पढ़िए। फालतू आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम वाले नोट्स अगर आप पढ़ते हो तो आप फिर से बेवकूफ़ी कर रहे हो। अपनी बुक्स से पढ़िए और वो क्वेश्चन पढ़िए जो ज़्यादा डीप ना हो। ज़्यादा डीप वाले क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे क्योंकि हमें लर्न करना है और ऑप्शन नहीं आने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे। और फिलहाल जबकि हम कन्फ्यूज़न में हैं पेपर कब होगा, तो आपको अभी फरवरी और मार्च की करंट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षण यानी साइकोलॉजी भी आप पढ़ सकते हो, बाल मनोविज्ञान, जिसका हेल्प आपको आगे यूपी टेट, सी टेट, आगे आने वाली भर्तियां, केवीएस, हर जगह पर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें। आप 4 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन शेड्यूल में 2 आवर्स को रखें कि हाँ पढ़ना ज़रूर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सलाह मेरी यही रहेगी कि पढ़ना शुरू कर दें आज से ही, इंग्लिश के टॉपिक शुरू कर लें जो तुम्हें हार्ड लगते हैं, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इन पर ध्यान दें, प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ हम करंट भी कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान भी पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, अब नोट्स की बात है तो हिस्ट्री के नोट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाले हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। संविधान के 10 पेज मैं आपको परसों या 2-3 दिन बाद देने वाला हूँ, वो इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं कि संविधान के अगर 2 क्वेश्चन आने हैं और दोनों क्वेश्चन उसमें से डेफिनेटली मिलेंगे, आई एम 100% श्योर। इसलिए जो जो मैं नोट्स देता हूँ उसको आप ज़रूर ज़रूर लर्न करना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है 68,500 जो पेपर है वो 1 से 5 तक की क्लासेस के लिए हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम 8th, 9th, 10th लेवल का ही आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए। और जैसा कि सब बोल रहे थे, सब लूशन से पढ़ने की एडवाइस दे रहे थे और उसके बाद मॉडल पेपर के आते ही सबकी बोलती बंद हो गई थी, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस का लेवल जितना हम पढ़ रहे थे उससे आधा भी नहीं था फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बोला था कि लेवल कम आएगा, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, लेवल चाहे कितना भी कम क्यों ना आए, हमें वो पेपर हार्ड लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चंस को लर्न करना नहीं जानते, हम ऑप्शन के बेसिस पर जानते हैं। तो गाइस, लर्न करना शुरू कर दो और जितना ज़्यादा हो सके अपने रूटीन में पढ़ना शुरू कर दो। जो जो मैं PDF देता हूँ उनको प्रिंट आउट करवा लो गाइस, मोबाइल में कभी नहीं पढ़ पाओगे। ओके गाइस, तो यही मेरी सलाह थी, कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, हर 2-3 दिन के बाद मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बना दिया करूँगा ताकि आप सभी के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं या
किस टॉपिक के बारे में बनाऊँ, वो भी आप आज के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का कमेंट बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हर कमेंट पर मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा गौर किया जाएगा। तो गाइज, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, 10 मिनट मेरा साथ देने के लिए, समझने के लिए। आपकी क्या राय है इन चार क्वेश्चन के बारे में, आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना कभी मत भूलना, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, आपको सारे PDF से नोट्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप तो वैसे फुल हो चुका है, उसमें तो मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर पा सकता। आप प्लीज़ फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 68,500 के लिए ही बना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।